हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था। रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हमने सीखा था, कोई पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो क्या कंडीशन है, बेसिक कंडीशन हमने ये सीखी थी। फिर एडिशनल कंडीशन और सीखी थी फॉर आरओआर एंड एनओआर के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, राइट? तो रेजिडेंशियल स्टेटस, कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट तभी होता है जो वो 182 डेज और मोर, या तो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन है बच्चे हमारे पास, दूसरी कंडीशन क्या है, 60 डेज और मोर सिंपली, ठीक है। कोई 60 दिन इंडिया में बिता रहा है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, 60 दिन साथ में 365 दिन और पिछले 4 सालों में, तो वो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ, रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो रेजिडेंट बनने के बाद या तो वो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने ये पढ़ा था, आर और एनआर की कहानी, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, स्टे इन इंडिया में ये भी था, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। ओआर के लिए क्या कंडीशन थी, अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे कंसीडर करोगे बच्चों आप, 730 दिन होने चाहिए, 730 दिन होने चाहिए प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और 2 टाइम रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 10 सालों में प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पीछे के 10 साल, के पीछे के 10 साल। पहले 7 में चेक करेंगे 730, फिर 10 में चेक करेंगे, 2 बार अगर रेजिडेंट हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऑर्डिनरी, अगर एक भी रह जाती है तो नॉट ऑर्डिनरी। फिर ये सारी चीजें हमने रिवाइज करी थी। एक क्वेश्चन देखिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, तब ज्यादा ये क्लियर होता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बाकी अपने बुक के न्यूमेरिकल फिर सॉल्व कर लेना, काफी आसान है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर 22-23 में मिस्टर एक फॉरेन सिटीजन है स्टे इन इंडिया फॉर 69 डेज के लिए आ रहा है, ठीक है। 2022-23, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईयर, ठीक है, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, और उसका स्टेटस हम निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करें तो 2022 और 23 69 डेज वो इंडिया, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, और जो 23-24 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होगा 23-24 के लिए, 22-23 क्या होगा, 22-23। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो रेजिडेंट बोलूं या नॉन रेजिडेंट बोलूं, क्योंकि 69 है, 182 तो हो नहीं रहा, 182 नहीं हो रहा, तो सर दूसरी कंडीशन चेक कर लो बच्चे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है 60 प्लस 365 डेज इन पिछले 4 सालों में, तो पिछले 4 साल 21 से 22 और फिर 20 से 21 और क्या है, फिर 19 से 20 और 18 से 19, ये 4 साल चाहिए अब हमें, ठीक है ना। 21-22 में कोई दिन इंडिया में नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में था वो 365 दिन के, तो 19-20 में मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 365, यहाँ पे भी कोई दिन इंडिया में नहीं है। और फिर 16-17 में था 30 दिन के लिए, हो जाएगा 17-18, यहाँ हो जाएगा 16-17 और इधर हो जाएगा 15-16, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 से 15, ठीक है, 13 से 14। तो पहले तो था नहीं, कौन से वाले में था, 30 डेज था 16-17 में, 16-17 में था 30, बाकी हमारे पास निल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं पता, वहाँ निल लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे था 70 डेज के, 16-17 के बाद 15-16 70 डे, ठीक है, यहाँ पे भी निल और बाकी निल है। अब बताओ रेजिडेंट बोलोगे या नॉन रेजिडेंट बोलोगे, सर 69 प्लस 365 डेज हो गए 4 सालों में, तो ही इज रेजिडेंट, सर क्या आया, रेजिडेंट। अब चेक करना है ऑर्डिनरी वाला या नॉट ऑर्डिनरी वाला,
यहाँ पर तो वो निकल के आ गया भाई 22-23। अगर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या बताऊंगा, ठीक है रेजिडेंट, यहाँ पर वो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर भी नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर भी रेजिडेंट है, आर बन जाएगा, ठीक है। बाकी एनआर, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तो हर बार वो नॉन रेजिडेंट ही आ रहा है, बाकी 10 में से आराम से 9 बार क्या बन जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट। पिछले 7 सालों में क्या 730 डेज हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या लिखोगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बताओ कोई दिक्कत, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा एन, इस तरह से चेक कर, ठीक है। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। जितने हम क्वेश्चन करते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, तो आपको इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस एक कैटेगरी और रहती है, स्पेशल कैटेगरी, वहाँ पे कुछ कंडीशन थोड़ी सी चेंजेस हैं स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन के लिए, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, देन रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट ओवर हो जाएगा, फिर हम करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम का कि कौन सी इनकम पे कौन से रेजिडेंट को टैक्स देना, आर ओ आर को कब टैक्स देना है, एन ओ आर को कब देना है, या एन आर को कब टैक्स देना है, वन बाई वन। मिस्टर एक्स एन अमेरिकन सिटीजन हैज कम टू एन इंडिया, इंडिया आता है फॉर द फर्स्ट टाइम 20 जुलाई 2018 को, ठीक है, डेट ऑफ अराइवल्स गिवन है 20 जुलाई 2018, यही डेट लिखी हुई है। फिर वो वापस चला गया 17 अगस्त 2019 को, फिर दोबारा आया 17-10-2019 को, फिर वापस चला गया 7-12-2020 को, फिर 11 मार्च को आया 21 में, फिर 22 में वापस चला गया, फिर 22 में आया, फिर 23 में चला गया, इस तरीके से। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालें सभी प्रीवियस ईयर के लिए 18 से 19, फिर 19 से 20, तो इस तरीके से। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है सभी प्रीवियस, तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं कौन सा प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले अपने पास जो प्रीवियस ईयर है वो 18 से 19, 18 से 19, बताओ 18 से 19 में वो कितने दिन इंडिया में रहा, पहले डेज की कैलकुलेशन करो। सबसे पहला काम है डेज की कैलकुलेशन कर, बताओ भाई कितने दिन, कब आया वो 20 जुलाई को, जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 दिन, जुलाई में वैसे कितने होते हैं 31, 31 में से वो 19 दिन इंडिया में नहीं था 19 तारीख तक, 12 दिन तो था ही, 20 जुलाई को था, 20 से लेकर 30, 11 दिन ये हो गए और एक 31, 12 दिन पूरा जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, ठीक है, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर के 31, के बाद नवंबर के 30, दिसंबर के 31, कहाँ तक जाएंगे, दिसंबर आ गया, फिर जनवरी, जनवरी के 31, फरवरी के 28, और मार्च के होते हैं 31, मार्च में हम रुकेंगे, कौन से मार्च को जाके रुकोगे, 31 मार्च 9, 31 मार्च 19 तक हम रुक जाएंगे, दिन काउंट करेंगे पहले कितने दिन हो गए भाई, 12 + 31 + 30 + 31 + 31 + 31 + 28 + 31 भाई 255 दिन हो गए, 255 दिन 31 मार्च। अब बताओ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, सर रेजिडेंट है, यहाँ तो क्लियर हो गया, आर है, क्या ओ आर है या एन ओ आर है, अब ये बता दो, 182 से तो ज़्यादा हो गया ना सीधे ही, तो दूसरी कंडीशन तो चेक हो भी नहीं सकती, इससे पहले इंडिया आया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इंडिया आया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखो लिखा हुआ है, इससे पहले की कंडीशन तो चेक कर भी नहीं सकते, तो इससे पहले कभी इंडिया में था ही नहीं, तो ये रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी तो बना ही नहीं सकते हम, ठीक है, कौन सा वाला, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो होगा बट कौन सा होगा, एन ओ आर। अब चलते हैं अगले साल, प्रीवियस ईयर सेकेंड 19 से 20, ये वाला चेक कर लिया हमने 18-19, अब चलते हैं 19-20, क्या 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 तक तो यहाँ था, 1 अप्रैल 2019 को इंडिया में था, देखो कब गया है, 17 अगस्त 2019 को वापस गया है, 17 अगस्त 2019, 19 से 20 चेक करने हैं, तो अप्रैल में यही था, अप्रैल, मई यही था,
जून भी यही था, जुलाई में 31 दिन था, और अगस्त की बात करें तो अगस्त में वापस चला गया, वो 17 दिन था। अगस्त में कितने दिन था? 17 डेज। फिर अगस्त के बाद सितंबर में यहाँ नहीं था, सितंबर खाली। अक्टूबर में 17 अक्टूबर को आ गया, तो अक्टूबर में कितने दिन इंडिया में रहा हो? सर अक्टूबर में इंडिया में वापस आया तो 17 अक्टूबर को आया, तो 17 भी काउंट करेंगे, 31 दिन होते हैं, 16 हटा दो उसमें से, 15 दिन अक्टूबर के काउंट हो गए। फिर नवंबर वैसे ही, दिसंबर, फिर नवंबर मैंने 30 लिख दिया और ज़्यादा लिख दिया, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी 31, 19-20, तो 20 का फरवरी, 31 दिन का फरवरी के बाद मार्च, ठीक है, नॉर्मल 2020, 17 दिसंबर 2020 को वापस गए ना, 7 दिसंबर, ठीक है, हमें तो 20 में रुकना है भाई, 31 मार्च 2020 ने कहाँ तक काउंट किया है? सिर्फ 31 मार्च चेक करते हैं टोटल, तभी बनेगी बात। 30, 31, 30, 31 और 17, 15, 30, 31, 31, 29, 31 भाई 306 दिन हो गए यहाँ तो। तो बताओ फिर से बोलेंगे हम रेजिडेंट, ठीक है, क्या पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट है? नहीं है। क्या 730 दिन हो रहे हैं पिछले 7 सालों में? नहीं हो रहे। तो इसको फिर से हम बोलेंगे NOR, फिर से हम क्या बोलेंगे? NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, 19-20 के बाद, प्रीवियस ईयर 20 से 21 चेक करो, 19-20 के बाद, अब चेक करो अगला 20 से 21, भाई 20 से 21 चेक करें तो वापस गया है वो 7 दिसंबर 2020, तो 7 दिसंबर तो बहुत दूर हो गया, जब तक अप्रैल पूरा, तो पहले अप्रैल के कितने दिन होते हैं भाई अप्रैल में? अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर में वो वापस चला गया, कब गया भाई? 2020 में दिसंबर में गया था ना, 7 दिसंबर को, दिसंबर में 7 दिन इंडिया में रह के गया है, 7 दिन दिसंबर में इंडिया में रहकर गया है वो पर्सन, देखो 7 दिन दिसंबर के, ठीक है, वापस कब आया? 11 मार्च 2021, 2021 निकाल रहे हैं दिसंबर के बाद, पर तो खैर हो गया, जनवरी ब्लैंक, फरवरी ब्लैंक, फिर मार्च में, क्या मार्च में वो कुछ दिन रहा? मार्च में आ गया सर, 11 मार्च को आ गया, मार्च में 31 होते हैं, 31 में से वो 10 दिन नहीं था, 11 को तो आ ही गया था, 10 तारीख तक ही तो नहीं था, 21 दिन मार्च के, मार्च के भी कितने दिन? 21 दिन, तो काउंट कर लो, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 7 और 21, कोई 272 डेज हो रहा है, 272 डेज। अब यहाँ पे बात करें तो रेजिडेंट तो हो गया, रेजिडेंट हो गया, ठीक है, क्या पिछले 10 सालों में देखें 2 बार रेजिडेंट है? यस, 1 बार रेजिडेंट, 2 बार रेजिडेंट। क्या पिछले 7 सालों में 730 डेज हैं? 255 और 306 को प्लस करो, 306 प्लस 255, 561 आ रहा है, नहीं, 730 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये फिर से कहाँ जाएगा? एनओआर में, कहाँ जाएगा? एनओआर में जाएगा। वैसे भी 2 बार रेजिडेंट बन गया था, 2 बार रेजिडेंट अगर बन जाए, ठीक है ना, 2 बार क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। अब हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी थी 730 वाली, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या बन जाएगा? ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो नहीं बना पाया, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन में आ गया। अगला प्रीवियस ईयर चेक करते, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 21 से 22, अब 21-22 में फिर वो 21 में तो यही था वो, देखो 11 मार्च 2021 को आ गया था ना,
10 फरवरी 2022 को गए, 11 मार्च को आ गया था, तो 21 का अप्रैल, 1 अप्रैल 2021 से इंडिया में ही था, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, भाई 2021 ख़त्म हो गया। कब गया वो वापस, 2021 में ही गया या 22 में गया? 10 फरवरी 2022 को जाए, 10 फरवरी 2022 को जाएगा, फिर 20 मई 2022 में आएगा, 10 फरवरी 2022 को जाए, दिसंबर के बाद अलग लिख देते हैं इसको, जनवरी के 31, 2022 और फरवरी के 10 दिन, फरवरी के 10 दिन, देखो 10 फरवरी 2022 को साहब जी वापस चले गए, 10 फरवरी को जाएगा तो 10 फरवरी भी काउंट होगा, ठीक है, टोटल करो 30, 31, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 31 और 31 और 10, 316 दिन हो रहे हैं, 316 दिन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टोटल काउंट कर, रेजिडेंट तो है ये क्लियर हो गया, पिछले 10 सालों में अगर चेक करूँ तो 2 बार रेजिडेंट आराम से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो रेजिडेंट तो बन गया, आप चेक करो क्या पिछले 7 सालों में 720 दिन हो रहे हैं, 255, 306 और 272, 833 हो रहे हैं, तो आराम से दोनों कंडीशन, आरओआर के लिए 2 कंडीशन चेक करनी, 2 बार रेजिडेंट मिल जाए, 730 दिन मिल जाए पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, तो आराम से मिल गए, ये वाला छोड़ दो, पिछले 3 सालों में ही 730 दिन हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 7 साल तक चेक करना, तो इससे पहले तो जा ही नहीं सकते 18-19, 3 में ही मिल गया 730, तो क्या जरूरत है, और 2 बार मुझे रेजिडेंट भी मिल गया, 3 बार मिल गया, वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर जाके बनेगा आरओआर, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब चलते हैं अगले वाले, प्रीवियस ईयर फिर से 21-22 के बाद, 22 और 23 लेटेस्ट, तो 1 अप्रैल 2022 से हम काउंट करेंगे कहाँ तक, 31 मार्च 2023, ठीक है, क्या 1 अप्रैल को था, नहीं वो यहाँ था ही नहीं, देखो 20 मई को आया है, 20 मई 2022 को आया है, फिर पूरे साल रुका, वो 10 अप्रैल को गया, यानी 31 मार्च तक था, 20 मई को आ गया इंडिया में, तो कितने दिन, मई कितने दिन का होता है भाई, मई होता है 31, में से 19 दिन इंडिया में नहीं था, तो मई से अगर मैं काउंट करूँ, मई के 12, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, हाँ 12, 30, 31, 31, 30, 31 और 31, 316 दिन, तो आराम से यहाँ पर रेजिडेंट तो है, अब ओआर है या नहीं है ये चेक करना है, ऑर्डिनरी 2 बार रेजिडेंट मिल जाएगा बड़े आराम से, 730 दिन बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे, हम बोलेंगे आरओआर, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि करंट ईयर में 316 दिन 182 से ज्यादा है, रेजिडेंट है, पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा है, और पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट, ठीक है, तो 2 साल तो निकल के आया हमारा आरओआर, आरओआर उससे पहले निकल के आ रहा था एनओआर, ठीक है, देख लो अगर कोई डाउट है यहाँ तक, एक बार चेक कर, ठीक है, तो इसको कर लो नोट, फिर देखते हैं स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में थोड़ा सा अलग पार्ट है, ठीक है, चलो देखो स्पेशल कैटेगरी में आपको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी,
स्पेशल कैटेगरी है क्या कहानी अभी समझते हैं। स्पेशल कैटेगरी में अगर कोई आएगा तो उस पर हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 प्लस 365 वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, ये वाली कंडीशन हमें नहीं देनी, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। कौन से लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होती नोट करें, फर्स्ट पार्ट इसका नोट करें, स्पेशल कैटेगरी में कौन से ऐसे लोग हैं जिस पर हम क्या चेक करेंगे, ओनली 182 डेज चेक करेंगे। लिखें फॉर एन इंडियन सिटीजन वो लिव इंडिया, वो लिख लो साथ के साथ लिख लो लिव इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, या फिर ठीक है, और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू मेंबर्स होते हैं ना, ऑफ एन इंडियन शिप, जो इंडियन शिप पे रहते हैं हमारे क्रू मेंबर्स ऑफ एन इंडियन शिप, तो जो इंडियन शिप पे घूमते रहते हैं, जो मैक्सिमम टाइम इंडियन शिप पे बिताते हैं अपना, उनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है आपको, 182 डेज। अगर वो 182 डेज इंडिया में हैं तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे, या फिर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है आज, ठीक है, उसके लिए भी हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, 182 डेज और मोर। For an Indian citizen who live in India during the relevant previous year for the purpose of employment, or या फिर member हो crew membership का, Indian ship का, ठीक है, तो first condition तो ये हो गई, simple सी बात लिखी हमने, ठीक है, second भी लिखें फिर, for an Indian citizen, second लिखें for Indian citizen और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ इंडियन ओरिजिन हू बीइंग आउटसाइड इंडिया, बीइंग आउटसाइड इंडिया कम to visit India, during the relevant brief. ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा और लिख लो, प्रीवियस ईयर के बाद हैविंग टोटल ये थोड़ा सा चेंजेस आया था, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम other than the income from ठीक है, foreign source not exceeding
रीडिंग रुपीज 15 लाख। तो हमारे पास कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके केस में हम 182 डेज ही चेक करते हैं बस। पहला क्या है, फॉरेन इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन है, फॉरेन इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर और अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, ठीक है क्रू मेंबर है कोई, तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं हम 182 डेज वाली कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन 60+3 65 वाली चेक नहीं करनी। फॉर एन इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन है या और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है जो बाहर रहते थे, जिनके पेरेंट्स कभी ना कभी इंडियन थे, वो अगर इंडिया आ रहे हैं, इंडियन ओरिजिन का पर्सन कम टू विजिट इंडिया, बाहर से इंडिया आ रहा है कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन, जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या थे, कभी ना कभी इंडिया थे, ठीक है, बट उनका बर्थ बाहर हो गया था तो वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम, ठीक है, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50, तो उसके लिए भी क्या चेक करेंगे हम 182 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नॉट एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, अगर 15 लाख रुपए से कम है इनकम, 15 लाख से कम है, 15 लाख से ऊपर नहीं है, लास्ट 15 लाख तक है, अप टू 15 लाख तक है, तो बच्चों क्या चेक करना है हमें, उसका 182 डेज ही चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना। इफ 182 डेज ही इज रेजिडेंट, यानी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी 60+360। इसी में इफ इनकम एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, सेकंड केस ये भी तो बन सकता है कि अगर एक्सीड कर जाए 15 लाख से तब क्या करें, अगर इनकम एक्सीड कर जाती है बच्चों 15 लाख रुपए से, इफ इनकम इज एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, उस केस में हमें क्या करना, ठीक है, 182 डेज और मोर इन इंडिया, तो रेजिडेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत, इसी केस में लिखवा रहा हूँ इंडियन ओरिजिन अ पर्सन, ठीक है, 182 डेज और मोर इन इंडिया, ठीक है, ये होना चाहिए। साथ में और दूसरी कंडीशन देखो, अगर 15 लाख से एक्सीड करती है इंडियन ओरिजिन के केस में तब क्या चेक करना है, दूसरी कंडीशन, सेकंड, एक तो है ही, एक और कंडीशन आपको चेक करनी है, 120 डेज एट लीस्ट मस्ट बी इंडिया, एट लीस्ट 120 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एंड साथ में 365 डेज ड्यूरिंग फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट, इस तरह से आपको समझना है। देखो अभी तक हम चेक कर रहे थे या तो 182 दिन इंडिया में रह ले तो वो क्या बन जाएगा हमारा, रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरा केस हमने पढ़ा 60+365 दिन, तब भी वो रेजिडेंट बन जाएगा, पर कुछ केस ऐसे हैं जहां पर 60 और 365 दिन वाली कैटेगरी चेक करनी ही नहीं है, फिर क्या चेक करना है बच्चों, वहां पर 182 डेज चेक करना है। पहला फॉरेन इंडियन सिटीजन, ये हमने लिख लिया। दूसरा फॉरेन इंडियन सिटीजन ओरिजिन वाला, इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन, जहां पर हम क्या चेक करेंगे, इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो 182, इनकम 15 लाख से ज्यादा है कोई बात नहीं, अगर 182 डेज से सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम 60 की जगह 120 ले लेंगे, बाकी सेम। इसमें दूसरी वाली कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कुछ अलग तरीके की है, स्पेशल क्या बन गई यहाँ पर भाई, 120 यहाँ पर एक्चुअल में कितना होता था, ओरिजिनल फिगर की बात करूं तो 60 होता था, पिछले 4 सालों में 365 ही होता था, वो वैसे ही है, 60 की जगह 120 स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कंडीशन चेक कर लेना भाई, इंडियन ओरिजिन पर्सन वाला,
इस तरह से लिखा होगा कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी इंडियन थे, तो समझ में आ जाएगा वो ये वाला केस। ठीक है, तो आसान सी चीज है, इसको नोट कर लो। अब करते हैं बच्चों आगे का पार्ट, देखो क्या है। आज हमें करना था आज की क्लास में स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो उसमें लग गया थोड़ा सा टाइम। अब देखो आज का पार्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, या तो कोई पर्सन हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आर ओ आर होगा। ठीक है, इस टाइप से एक टेबल बना लो तो समझ में आ जाएगा कोई पर्सन हमारे पास क्या होगा, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाए। ठीक है, या तो ऑर्डिनरी होगा। दूसरा केस क्या है, या तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आर ओ आर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा क्या होगा, एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा है नॉन रेजिडेंट। तो इन तीनों में से कोई सा एक पर्सन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमेशा इंडिया में रहता है परमानेंट, थोड़ा सा इंडिया में, बाकी फॉरेन में, मोस्टली फॉरेन में। ये वाला पर्सन इंडिया और फॉरेन दोनों में, ये इंडिया में, ये दोनों जगह का, इंडिया का भी है फॉरेन का भी है, नॉट ऑर्डिनरी वाला। थोड़े दिन इंडिया रहता है, थोड़े दिन फॉरेन में रहता है। ठीक है, NOR कैसे बनते हैं, ROR कैसे बनते हैं, NR कैसे बनते हैं, ये कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। अब मैं यहाँ पर कुछ इनकम लिखने जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट, इनकम रिसीव, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड in India, deemed to be received in India, whether earned in India, whether earned in India or elsewhere. अब मैंने आपको एक बात बोली, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। डीम टू का मतलब होता है मान लेना, गवर्नमेंट ने मान लिया है कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। अगर गवर्नमेंट ने मान लिया इंडिया में रिसीव हुई है, तो फिर वो इनकम इंडिया में ही रिसीव हुई है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है, अगर मैं जॉब इंडिया में कर रहा हूँ, इंडिया की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो सैलरी कहाँ मिलेगी, इंडिया में मिलेगी। आप बाहर काम करते हो, बाहर ही रहते हो इंडिया से, तो आपको बाहर मिलेगी सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया इंडिया से बाहर, और उन्होंने पेमेंट मुझे इंडिया में आकर दे दी, तो इनकम रिसीव कहां पर हुई, इंडिया में। दो तरीके होते हैं, देखो एक पर्सन है, उसका इंडिया में एक घर है, उसका रेंट उसको इंडिया में ही मिल जाता है। एक घर और है, उसका वो घर जापान में है, जापान का रेंट भी उसको इंडिया में ही रिसीव होता है। तो इनकम रिसीव कहां हो रही है, इंडिया में, लेकिन वो कमा कहां से रहा है, जापान से। एक घर उसका ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया वाले घर का रेंट भी उसको इंडियन बैंक में मिल जाता है, तो वो इनकम भी कहाँ पे रिसीव हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है। तो अर्न चाहे वो कहीं से भी कर रहा हो, लेकिन अगर इंडिया में रिसीव करेगा, तो उस पर आर ओ आर भी टैक्स देगा, एन ओ आर भी टैक्स देगा, और एन आर भी। अगर इंडिया से कोई भी रिलेशन मिल जाता है, इनकम रिसीव अगर इंडिया में हो रही है, कमाई पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं पर भी हो, आपने पैसा पूरे संसार में कहीं भी कमा लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पैसा इंडिया में रिसीव होगा, तो वो टैक्सेबल होगा, आर ओ आर, एन ओ आर, एन आर। आर ओ आर तो हर हाल में टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया में आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, आप कहीं से भी पैसा कमा लो, टैक्स तो आपको देना ही है। अब नॉन रेजिडेंट से भी हमने टैक्स ले लिया, देखो आपने कमाया नहीं है, नॉन रेजिडेंट से भी हमने टैक्स इंडिया में ले लिया, नॉट ऑर्डिनरी से भी ले लिया और आर ओ आर से। इनकम रिसीव अगर इंडिया में हो जाएगी, तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट लिखते हैं फिर। दूसरा क्या है, इनकम विच एक्रू और अराइज, देखो इनकम विच एक्रू और अराइज इन इंडिया, एक्रू अराइज और डीम्ड टू बी
ठीक है, यहाँ पे भी सेम वर्ड आएगा डीम टू बी टू अराइज इन इंडिया इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। Whether received in India, saved in India or elsewhere. अब मैंने आपको बोला सेम वही लाइन वैसे ही लिखी, इस बार बोला इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी इनकम ऑन इंडिया से करी गई। इनकम ऑन इंडिया से करने का मतलब इंडियन कंपनी में जॉब करी होगी आपने, इंडिया के लिए काम किया होगा, इंडिया में अपनी सर्विसेज दी होंगी। अगर आपने इंडिया से पैसा कमाया है, अब वो रिसीव पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर लो, लिखा है ना वेदर रिसीव इन इंडिया और एल्सवेयर, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके रिसीव कर लो। अगर पैसा इंडिया का यूज करके कमाया है, इंडिया में कमाया है, रिसीव कहीं पे भी हुआ है, तो तीनों को टैक्स देना है कोई सब। यानी इंडिया से अगर डायरेक्ट रिलेशन निकलता है, डायरेक्ट मतलब या तो इनकम रिसीव इंडिया में हो रही है या फिर इनकम अर्न इंडिया में कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा दोनों केस में। तो बचोगे कब, इंडिया से बाहर कमाओ, बाहर ही रिसीव करो, इंडिया मत आओ, बच जाओगे। अब मान लो कोई मिस्टर एक्स है, वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है, आरओआर है, वो कहता है मैंने इनकम कमाई बाहर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उसका एक घर है, वहां पे रेंट मिला, कह रहा है वहीं रखे रहो, जब मैं आऊंगा जब ले लूंगा कोई बात नहीं। बट अगर उसने इनकम ड्यू गवर्नमेंट को यहाँ पता चल गया तो गवर्नमेंट को टैक्स देनी आरओआर के केस, क्यों? अब वो आरओआर के केस में तो देनी पड़ जाएगी, बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव करा, इंडिया नहीं लेकर आया, पर वो आरओआर है, आरओआर फंस जाएगा, लेकिन एनओआर एनआर ये बच जाएगी, क्यों? इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता बच्चे, वो बच जाते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट देखती है कंट्रोल कहाँ पर है, आरओआर एनओआर एनआर, अगर ये इनकम इंडिया में रिसीव करने आएगा तो फंस जाएंगे ये दोनों, इनकम इंडिया से कमाएंगे तो ये फंस जाएंगे, ये आरओआर कहाँ जाएगा इंडिया से, ये तो हर हाल में फंसा ही रहेगा, ये तो कभी नहीं बचेगा, इसको हर इनकम पे टैक्स देना है इंडिया में, आरओआर को ये कहीं से भी कमा ले, कहीं भी रिसीव कर ले, फर्क नहीं पड़ता। एनओआर और एनआर कब हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं, जब वो इनकम इंडिया में रिसीव करने आए, या फिर इनकम एक्रू और अराइज, या फिर इंडिया से इनकम कमाने आए, तब ये फंसेंगे, ठीक है। तो बचने का चांस कब बना, बाहर ही कमाओ, बाहर ही रिसीव करो, तो इन दोनों से फिर टैक्स नहीं लेंगे। देखो थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस लिखो, इनकम विच तो थर्ड केस क्या है, इनकम एक्रू अराइज। देखो अब इस केस में थोड़ी सी स्पेशल कैटेगरी है, थर्ड अच्छे से पढ़ लेना, इनकम ऊपर वाले तो समझ आ गए, एक्रू और अराइज। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आउटसाइड इंडिया, एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम a business business कौन सा business है, देखो business controlled from India, income accrue or arise outside India, receive भी outside India हुई, पर business control India से हो रहा है, business control India से हो रहा है, मतलब business का principal place of the business India में है, ठीक है ऐसा। अगर बिजनेस का इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस इंडिया के अंदर है तो 2% को टैक्स देना है इसको नहीं। कोई ऐसा बिजनेस जो अमेरिका में चल रहा है पर उसका कंट्रोल इंडिया से है तो आरओआर एनओआर को टैक्स देना है, नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, और आरओआर तो देगा, क्लियर है। बट अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से है तो एनओआर भी देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। लास्ट केस और देखो फिर, फोर्थ
फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट और लिखें, इनकम विच एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, इनकम विच एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया received outside India from any other source मतलब business को छोड़ के कोई भी हो, any other source, इसको तो देना ही है, इन दोनों को नहीं देना। अभी बताया था ना मैंने किसी इंडियन ओरिजिन उसका ordinary resident का घर ऑस्ट्रेलिया में है, उसने वही इनकम रिसीव कर ली, ठीक है, इंडिया नहीं लेकर आया, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला पार्ट है। किसी पर्सन का अगर आपने घर ले लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे इनकम अर्न करते हो, वहीं रिसीव कर लेते हो, इंडिया नहीं लाते, इंडिया में ना रिसीव करी ना इंडिया से कमाया, फिर भी अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया का पर्सन कहीं से भी कमा ले इनकम, अगर आप इंडिया में हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो टैक्स लगेगा। तो चार इनकम की बात करी मैंने, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ठीक है, फिर आप कमाया कहीं पर भी हो, इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द वेदर रिसीव इन इंडिया और एल्सवेयर। दूसरा केस कहता है आपने अर्न अगर इंडिया से करा है, रिसीव पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर लो, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा सभी लोगों को। तो बचने के चांस कब है, जब आप बाहर कमाओगे, बाहर रिसीव करोगे, उसमें भी कौन सा डाल दिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से होगा, तो दो लोगों को टैक्स देना है, एक पर्सन को नहीं देना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फिर ये आरओआर देगा, ये दोनों नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई पास्ट वाली इनकम अगर आप इंडिया लेकर आते हो, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम या टैक्स्ड इनकम, ठीक है, पास्ट वाली इनकम, अगर पास्ट वाली इनकम हम इंडिया लेके आते हैं, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता, अर्न बेसिस पे लगता है। तो अगर आपके एक लाइन और लिखी हो बुक के अंदर, ठीक है, जनरली तो ये चार होती हैं मेन, ये मैंने आपको कैटेगरीज बता दी कि कौन सी चार इनकम पे कौन कौन टैक्स दे। इसके अलावा मैंने पिछले साल पैसा कमाया था वो अमेरिका में ही पड़ा है, अभी इंडिया लेके आ रहे हैं, या फिर वहां से कमा के इंडिया कोई भेज रहा है, तो उस पे टैक्स नहीं लगता, रेमिटेंस बेस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, अर्न रिसीव बेस। अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव करी है तो टैक्स देना है, सभी पर्सन को देना है, एक को नहीं, सभी पर्सन को, ये बात क्लियर। इनकम एक्रू और राइज इंडिया में हुई, रिसीव कहीं पे भी हो जाए बच्चे, तब भी क्या करना है, तीनों पर्सन को टैक्स देना है। फिर थर्ड केस है इनकम एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला है तो आरओआर देगा, एनओआर देगा, एनआर को देने की जरूरत नहीं है। इनकम विच accrue or arise outside India and receive outside India from any other source, तो first person देगा, बाकी 2% tax नहीं देंगे। नोट करो इसको फटाफट, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको 4-5 बार रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये बात बताओ, agricultural income है वो earn करी हमने पाकिस्तान से, तो वो दूसरी कंट्री है, वहां पे अगर आप किसी अदर कंट्री से एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हैं, कौन देगा टैक्स, पहले वाला पर्सन देगा, बाकी दो नहीं देंगे अदर सोर्स, ठीक है। जापान में एक बिजनेस से इनकम अर्न करी विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 2% टैक्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी विच इज रिसीव इन इंडिया, अगर ऐसा लिखा जाए रिसीव इन इंडिया, तो तीनों टैक्स देंगे। इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया एंड रिसीव जापान, अगर अर्न इंडिया से कराए तो तब भी तीनों को देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से केस बनेगा। तो नोट कर लो, फिर मैं अगले क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर, ठीक है। तो ये टॉपिक सिंपल सा ही है, रेजिडेंशियल स्टेटस की प्रैक्टिस करनी है आपने और साथ में ये लर्न करनी है चार बातें आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट।